सारेगामा कारवां 2.0 कारवां क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ। हर हफ्ते अपने सारेगामा कारवां के 5000 सुनहरे गानों में से कुछ चुनिंदा गाने और उनसे जुड़े कलाकारों के किस्से आपके लिए लेकर आती हूं मैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो, जो कि हिंदी सिनेमा की सबसे सक्सेसफुल जोड़ी के नाम है, जिनकी साथ में पहली फिल्म ही ब्लॉकबस्टर रही थी और उसके बाद तो जैसे उनकी जोड़ी बड़े पर्दे पर छा गई थी। वो ऑन स्क्रीन जोड़ी जिनके जन्मदिन के बीच सिर्फ कुछ ही हफ्तों का डिफरेंस था और ऑलमोस्ट सेम एज के होने के कारण भी दोनों के बीच काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। मैं बात कर रही हूं शर्मिला टैगोर जी और राजेश खन्ना जी की जोड़ी की। दोनों ने आराधना, आविष्कार, आनंद, अमर प्रेम और सफर जैसी कई हिट फिल्में दी। वैसे शर्मिला जी ने आराधना फिल्म कई बार टेलीविजन पर देखी है, लेकिन कुछ सालों पहले जब इस फिल्म की स्क्रीनिंग मुंबई में फिर से की गई थी, तब जाकर उन्हें पता चला कि उनकी और राजेश खन्ना जी की जोड़ी कितनी पॉपुलर थी। वैसे शर्मिला टैगोर जी का मानना है कि राजेश खन्ना जी आराधना फिल्म के रिलीज के बाद बिल्कुल बदल से गए थे। ऐसा क्या बदलाव आया था राजेश खन्ना जी में जो कि शर्मिला जी को ज़्यादा पसंद नहीं आया था, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले आइए शो की शुरुआत करते हैं आराधना फिल्म के उस गाने से जिसके कॉम्पोजिशन में सचिन दा को उनके बेटे पंचम दा ने काफ़ी मदद की थी। लता मंगेशकर जी और किशोर दा की आवाज़ में ये गाना। Thank you.
आएगी तू आए रुक मस्तानी कब आएगी तू बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आए रुक मस्तानी कब आएगी तू बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया आ तू चलिया प्यार की गलियां बाहों की गलियां सब रंग रलियां पूछ रही है प्यार की गलियां बाहों की गलियां सब रंग रलियां पूछ रही है गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आए रुक मस्तानी कब आएगी तू बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया खिल के पास आ दिल के दूर से मिल के चैन आए फूल सी खिल के पास आ दिल के दूर से मिल के चैन आए और कब तक मुझे तड़ पाएगी तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आए रुक मस्तानी कब आएगी तू बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए आ गया तो बहुत पछताएगी तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आए रुक मस्तानी कब आएगी तू बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया।
गलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, जीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया, चलिया तू चलिया, चलिया आ तू चलिया। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज की मेरी प्लेलिस्ट है मेरे सारेगामा कारवां से शर्मिला टैगोर जी और राजेश खन्ना जी की हिट फिल्मों के और उनके गानों के नाम। जानते हैं आप, राजेश खन्ना जी काफी जेनरस किस्म के इंसान थे। अपने दोस्तों को वो कई तोहफे वगैरह दिया करते थे, कभी कभी तो तोहफों में घर भी दे दिया करते थे, पर दूसरों से तोहफा एक्सपेक्ट भी करते थे। और जब एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा हो जाती थी तो लोगों के साथ उनके रिलेशनशिप खराब हो जाते थे। लेकिन शर्मिला जी को पर्सनली जो आदत उनकी बिल्कुल पसंद नहीं थी वो ये थी कि राजेश जी सेट्स पर बड़ा लेट आते थे, जो आराधना फिल्म से स्टार्डम मिलने के बाद राजेश जी में और ज़्यादा बढ़ गई थी। उस दौरान शर्मिला जी सुबह 8 बजे एग्जैक्ट शूट के लिए पहुँच जाती थी, ताकि शाम को वो जल्दी घर जाकर अपने परिवार के साथ वक्त बिता सके। लेकिन ये तो इम्पॉसिबल ही हो गया था, क्योंकि राजेश जी 12 बजे के पहले सेट्स पर आते ही नहीं थे, जिसके कारण शिफ्ट टाइम पर ख़त्म नहीं होती थी और पूरा यूनिट शर्मिला जी को ही प्रेशराइज करता था ओवर टाइम काम करने के लिए। जब ये एक नॉर्म बन गया तब शर्मिला जी तंग आ गई और उन्होंने एक डिसीजन लिया जो शर्मिला जी और राजेश खन्ना जी के फैंस के लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। क्या था ये डिसीजन बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं उनकी फिल्म अमर प्रेम से वो गाना जो हुगली रिवर पे एक बोट के ऊपर शूट किया जाने वाला था, लेकिन कोलकाता के अथॉरिटीज़ ने ब्रिज के अंदर शूट करने की परमिशन ही नहीं दी और इसीलिए ये गाना नटराज स्टूडियो में एक वाटर टैंक में शूट किया गया था। किशोर दा का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स सुनिए ज़रा। उम्मीद दिया बहलाए,
मनमीत जो धाव लगाए उसे कौन मिटाए। प्यास लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। धार में नैया डोले तुम माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। कारवा क्लासिक रेडियो शो के एपिसोड्स को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं ताकि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सके और एंजॉय कर सके। रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। आए शराबी मौसम बहकाए, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए।
से आंखें मिलती हैं जैसे बेचैन होके तूफान में जैसे आंखों से आंखें मिलती हैं ऐसे बेचैन होके तूफान में जैसे मौज कोई साहिल से टकराए रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए हमको जमाना दूर ही रहना पास न आना रोक रहा है हमको जमाना दूर ही रहना पास न आना कैसे मगर कोई दिल को समझाए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ। शर्मिला जी और राजेश खन्ना जी में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी थी, लेकिन जब राजेश खन्ना जी 9 बजे की शिफ्ट के लिए 12 बजे आते थे तब शर्मिला जी की पर्सनल लाइफ अफेक्ट होने लगी थी। वो अपने परिवार को समय नहीं दे पा रही थी और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब राजेश जी के साथ नहीं बल्कि दूसरे एक्टर्स के साथ में काम करेंगी। ऑल्सो उस दौरान उनकी और राजेश जी की कई फिल्में आ चुकी थीं और राजेश जी को भी यही लग रहा था कि भाई अब नए एक्टर्स के साथ में काम करना ज़रूरी है, क्योंकि एक ही एक्ट्रेस के साथ फिल्में करने में उन्हें ये रिस्क लग रहा था कि वो स्टेल हो जाएंगे, मार्केट में लोगों को उन दोनों को देखने की आदत हो जाएगी और कुछ नयापन नहीं रहेगा। लेकिन ये शर्मिला जी के लिए काफ़ी बड़ा रिलीफ रहा, क्योंकि इसके बाद वो टाइम पर अपना काम ख़त्म कर पाती थी और घर जा पाती थी। चलिए, इस जोड़ी के बारे में और भी कई सारे किस्से कहानियां हैं मेरे पास, बताऊंगी आपको, लेकिन फिलहाल सुनते हैं उनकी उस फिल्म से गाना जो डायरेक्टर शक्ति सामंत जी की पर्सनल फेवरेट फिल्म थी और जिन्हें इस फिल्म का आइडिया बंगाली फिल्म निशी पद्मा से मिला था, लेकिन स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करके वो चाहते थे कि ये फिल्म राजेश जी की बेस्ट परफॉर्मेंस बन जाए। ऐसा ही कुछ हुआ भी। मैं बात कर रही हूँ शर्मिला जी और राजेश जी की वन ऑफ द पॉपुलर हिट फिल्म्स अमर प्रेम की। तो चलिए सुनते हैं वो गाना जो अपनों के साथ सारे गामा कारवां पर चल जाए तो शाम की चाय और भी मीठी हो जाए। किशोरदा की आवाज़ में ये गाना आपके लिए, सुनते रहिए कारवां क्लासिक्स रेडियो शो मेरे यानी रुचि के साथ। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे जगत की ऐसी है हरे सुबह की शाम हुई, कुछ रीत जगत की ऐसी है हरे सुबह की शाम हुई। तू कौन है
तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, हम खोए हैं इन रंग रलियों में, हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में, हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। ये सच है झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आई होप यू आर एंजॉइंग द शो। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं कोई जाना। समझा नहीं
ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं। जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले तो खिलने से पहले फिजा खा गई। है परेशान नजर थक गए चार अगर कोई समझा नहीं सफर कोई समझा नहीं कोई जाना। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। वैसे क्या आप जानते हैं ये सारे गाने जो मैं आपको सुना रही हूँ ये मैं अपने सारेगामा कारवा से प्ले कर रही हूँ, जिसके 5000 सुनहरे गाने आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। एंड ऑफकोर्स कुछ चुनिंदा गाने आपको इस शो पर भी सुनने को मिलेंगे। वैसे राजेश खन्ना जी और शर्मिला जी की पहली मुलाकात आराधना फिल्म के सेट्स पर हुई थी, और इस फिल्म को याद करते हुए एक इंटरव्यू में शर्मिला जी ने कहा था कि उस दौरान राजेश जी की फैन फॉलोइंग देखकर वो हैरान हो जाती थी, क्योंकि मेकअप रूम से सेट्स पर जाना भी किसी भी एक्टर के लिए मुमकिन नहीं होता था, क्योंकि वो पूरा एरिया काका जी के फैंस से घिरा हुआ होता था। लेकिन ये वो फिल्म थी जो डायरेक्टर शक्ति सामंत जी शम्मी जी के साथ बनाना चाहते थे, ना कि राजेश जी के साथ। पर शम्मी जी के पास में डेट्स ही नहीं थे, और तभी उनकी मुलाकात यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कंबाइंड के कॉन्टेस्ट के द्वारा राजेश जी के साथ हुई, और उन्होंने आराधना फिल्म में उन्हें साइन कर लिया। वैसे तो शर्मिला जी और राजेश जी की वर्किंग रिलेशनशिप अच्छी थी, लेकिन एक बात पर दोनों की बहुत आर्ग्यूमेंट होती थी। बात यह थी कि दोनों को कैमरा के सामने अपने चेहरे का लेफ्ट साइड का प्रोफाइल दिखाना पसंद था। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर्स तंग हो जाते थे, लेकिन फिर बाद में दोनों को संभाल ही लेते थे। चलिए आइए सुनते हैं उनकी फिल्म आराधना से ही आशा जी और रफी साहब का ये अगला गाना। सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो मेरे यानी रुचि के साथ। गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली 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 कली। गोरी जैसे छुप जाए हाय जरा देखो सजन ते मौन भौरा कैसे मुस्काए। हाय कलियों शर्माए घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए। हाय खिल रही है कली कली।
किसी को क्या कहें, हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए। किसी को क्या कहे, हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए। रुत ऐसी है कैसी, ये पवन चली गली गली, गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली, गली गली कली कली, आज के शो के सभी गाने आप सारे गामा कारवां से सुन रहे हैं। सारे गामा कारवां, इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो। ये क्या हुआ, खिलौना था कुछ ना कुछ तो होना था। हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो। हमने जो देखा था सुना था, क्या बताए वो क्या था। हमने जो देखा था सुना था, क्या बताए वो क्या था। सपना सलोना था, तुम तो होना था। हुआ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ,
छोड़ो ये न सोचो ये क्या हुआ। खोना था बदनाम होना था हुआ ये क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ क्यों हुआ जब हुआ तब हुआ। ओ छोड़ो ये न सोचो कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ। उठाइए पुराने गानों का असली मजा सारे गमा कारवा के साथ। क्या आप जानते हैं 1973 से 74 की शुरुआत तक राजेश जी के लाइफ का लोनलीएस्ट टाइम था, क्योंकि ये वो दौर था जब उनकी फिल्में चल नहीं रही थी और इसका अंदाज़ा राजेश जी को हो ही नहीं पा रहा था। उन्हें फिर भी उनके दिमाग में लग रहा था कि वो बहुत सक्सेसफुल हैं और लोगों को उनके आसपास घूमते रहना चाहिए, पर लोगों ने ऐसा करना बंद कर दिया था। जब फिल्में फ्लॉप होने लगीं तब बजाय सही स्क्रिप्ट चुनने के वो और इरिटेबल होने लगे थे। उनके फेलियर के कारण उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक दीवार सी बिल्ड कर ली थी। ना ही किसी की मदद लेते थे और ना ही किसी पे भरोसा करते थे। उनकी सिचुएशन पर शर्मिला जी को लगता था कि राजेश जी ने अपने हाथों अपनी स्टारडम गवाई थी। वो समझ नहीं पाए कि ऑडियंस वक्त के साथ बदल रही थी और जो रोल्स वो करते थे वो कम रेलेवेंट थे। लेकिन जब कोलकाता के एक इवेंट में शर्मिला जी आखिरी बार राजेश जी से मिली थी तब वो हैरान हो गई थी, क्योंकि राजेश जी काफ़ी दुबले पतले से हो गए थे। अपनी तबीयत के कारण वो काफ़ी बीमार दिखने लगे थे। एंड फॉर समवन हु हैज़ वर्कड विथ हिम सो मच इट वॉज डिफ़िकल्ट टू सी हिम सो फ्रेल। पर एक चीज़ जो उनकी पहली और आखिरी मुलाकात में कॉमन थी वो थी राजेश खन्ना जी के आंखों की चमक और उनकी मुस्कुराहट, जो जीवन के हर पल को आसान बना दे, जो दूर से भी एक इंसान को ऐसा महसूस करा दे कि आपको गले लगा लिया है राजेश जी ने। चलिए इसी बात पर बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। सुनते हैं शर्मिला जी की पर्सनल फेवरेट फिल्म सफर से किशोर दा का अगला गाना। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए से भरी तेरी आँखें तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे इतनी सुंदरता सुंदरता एक धड़कन है तू दिल के लिए एक जान है तू जीने के लिए
से भरी तेरी आँखें। मधुबन की सुगंध है सांसों में बाहों में कमल की कोमलता, किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों का तेज है चेहरे पे, हिरणों की है तुझ में चंचलता चलता। आंचल का तेरे है तार बहुत, कोई चाक जिगर सीने के लिए, सीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें, मजबूर करें जीने के लिए, जीने के लिए जीवन से भरी। इस कारवां क्लासिक रेडियो शो को आप एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉइड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स।
बीती जाए शाम ना आए रे ना बीती जाए
ठहरे जमाना बिठाए, लाख दीवाने दुनिया उठाए, अब कदम पीछे हटने न पाए, प्यार पर कोई तोहमत न आए, चाहे धरती फटे ओ चाहे अंबर फटे, बोल टूटे ना ओ साथ छूटे ना, अब चाहे रब रूठे या दुनिया, मैंने तेरी बाह पकड़ ली, अब चाहे रब रूठे या दुनिया, मैंने तेरी बाह पकड़ ली, मैंने तुझ पे नियत कर ली, मैंने हंसकर हामी भर ली, ओ यारी छूटे ना छूटे ना, हाँ कर ली तो कर ली, अब चाहे मार उठे या बाबा, चाहे सर फूटे या माथा, अब चाहे काटे मिले फलिया, चाहे लग जाए हथकड़ियाँ, अब चाहे घर छूटे या सखियाँ, अब चाहे रब रूठे या दुनिया, अब चाहे मार रूठे या पापा, यारा मैंने खोहा कर ली, अब चाहे सर फूटे या माथा, मैंने तेरी बाह पकड़ ली, कैसा लगा आपको ये शो? प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हर हफ्ते हम कारवा क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक और सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन भी कर लीजिए ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो।